वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये इतना फेमस हो गया है ना उनका ये बोलना। उमेश पाल की हत्या के बाद योगी जी ने कहा था कि एक एक माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 13 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर की जब पहली तस्वीर सामने आई तो वो मिट्टी में ही था। असद की मौत की खबर मिलते ही माफिया अतीक का सारा गुरूर उसके आंसुओं से होता हुआ मिट्टी में मिल गया, और साथ ही मिट्टी में मिल गई वो टीवी पत्रकारिता जिसने असद की मौत की ये खबर दिखाई थी। असद की मौत की खबर का क्रेडिट लेने में ये चैनल वाले इतने एक्साइटेड हो गए कि एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं एनकाउंटर यूपीएसटीएफ ने नहीं बल्कि इनके किसी रिपोर्टर ने ही किया है। एक महिला एंकर तो बिचारी इतनी एक्साइटेड हो गई कि लगा ये ना कह दे कि मैंने टांग लड़ाकर असद को गिराया था। उसके बाद मेरे सहयोगी रिपोर्टर ने अपने माइक की तार से असद के दोनों हाथ और पैर बांध दिए और फिर उसकी छाती पर मुक्के मारकर मैंने ही उसकी जान ले ली। देखिए, उसी चक्कर में मेरी चीची उंगली का नाखून भी टूट गया, मगर कोई बात नहीं, राष्ट्रहित के लिए इतनी कुर्बानी तो दी ही जा सकती है। दोस्तों, चैनल वालों की इसी मासूमियत को तो फिर भी हवा में उड़ाया जा सकता है, मगर असद की मौत के बाद छाती कूट गैंग ने जिस तरह से छाती कूट कूट कर हंगामा खड़ा कर रखा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अपनी पुश्तैनी आदत के मुताबिक किसी ने एनकाउंटर को फर्जी बताया, किसी ने एनकाउंटर के सबूत मांगे, और किसी ने इसे गैर कानूनी बताकर ठाकुर के चौखट पर जाकर अपनी चूड़ियां तोड़ ली। और जब जब मैंने टीवी पर इन लोगों के बयान सुने तो लगा कि एकाध एनकाउंटर की छूट तो कॉमन लोगों को भी होनी चाहिए, नहीं है कि नहीं। तो आज के तंत्र में आज हम इसी छाती कूट गैंग की छाती पर मुंह दलने वाले हैं, तो बिछा लीजिए खाट क्योंकि लगने वाली है वाट बहुत भारी। मतलब अखिलेश यादव कह रहे हैं फेक है ये, करना तो इसी साल 23 फरवरी को अतीक के भाड़े के गुंडों ने दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद से ज्यादातर मुख्य आरोपी फरार थे। पूरे देश में यूपी पुलिस की भद पिट रही, पुलिस के हाथ न आकर हत्यारे पूरे सिस्टम का मजाक बना रहे। ऐसे में 13 अप्रैल को अचानक खबर आती है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मारा गया है। ये वही असद था जिसने भरे बाजार उमेश पाल को गोली मारी, जिस पर 5 लाख का इनाम था। सारा देश ऐसे हत्यारे के मारे जाने पर खुश हुआ, और खुश न भी हुआ हो तो उसने सबने राहत की सांस ली। मगर अभी लोग इस खबर का जश्न मनाने के लिए ऑफिस में हाफ डे अप्लाई कर भी नहीं पाए थे, और तो और गली की दुकान से आधा किलो शक्कर पारे भी खरीद नहीं पाए थे कि बहुत सारे मनहूसियत के सिकंदर इस रंग में भंग डालने आ गए। आर यू कॉमेडी मी? इन लोगों ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, असली है तो सबूत दिखाओ। अरे क्या सबूत देना भाई, एनकाउंटर है तुम्हारी जेठानी के बच्चे के मुंडन का फंक्शन थोड़ी है कि जो एनकाउंटर टीम साथ में कैमरे वाला लेकर जाएगी। इन्हें क्या लग रहा है कि गोली खाने से पहले असद को कैमरामैन ने क्या कहा होगा? सर जरा कैमरे की तरफ देखिए, साइड से सर घुमा दीजिए, सर साइड प्रोफाइल में गोली खाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ सर, एक सेकंड, गोली खाते वक्त ना सर थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, आपकी डबल चिन भी दिख रही है। क्या चाहते हैं आप? मतलब बताओ भाई, ये क्या चाह कह रहे हो तुम लोग? एनकाउंटर को लेकर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है? तुम्हें क्या लगा ये चेन्नई और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच का कोई आईपीएल मैच था जो पुलिस वाले पहले से बता देते कि देवियों और सज्जनों कल दिनांक 13 अप्रैल 2023 को दोपहर 11 बजे यूपी के झांसी में असद और गुलाम नाम के दो उभरते हुए गुंडों के एनकाउंटर का सीधा प्रसारण जियो सिनेमा पर किया जाएगा। जहाँ कहीं भी हो पॉपकॉर्न लेकर उस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाए, और हाँ बेटा असद तुम भी पहुंच जाना क्योंकि मरना तो तुम्हें ही है। और ये सुनकर असद कहेगा कि हाँ हाँ शुक्रिया अंकल, बहुत अच्छा ये जानकारी के लिए, वरना मैं अपना ही एनकाउंटर मिस कर देता। भाई मारो मुझे मारो। अरे भाई, एक आदमी फरार था, हत्या करता सरेआम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, वो मर गया तो इतना काफी नहीं है? सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अपराधियों के एनकाउंटर तक क्यों तुम्हें हर बार सबूत चाहिए होंगे? ऐसे हर मौके पर सबूत मांगकर तुम क्यों दुनिया को अपनी मूर्खता का सबूत देने लगते हो? क्यों क्यों और काहे को नंगा करके नहला रहा? वही ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह के एनकाउंटर कानून के हिसाब से नहीं है। कानून के हिसाब से? हेलो, आपको क्या लगता है उमेश पाल को बीट बाजार में घेर कर जो लोगों ने मारा था, क्या उसके लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन से परमिशन ली थी? क्यों वो हत्याकांड G20 देशों से अप्रूव होकर आया था? भाई समझो, जब आप इतने खौफनाक अपराधियों से डील कर रहे हो जिनके पास एक से एक खतरनाक हथियार हो सकते हैं, आप उन्हें देख करके आवाज लगाकर कहोगे कि बेटा सर एक होनहार नौजवान हो तुम, कृपया अपनी पिस्तौल पन्नी में डालकर बगल वाली स्कूटी पर रख दो और खुद को हमारे हवाले कर दो? और आपको क्या लगता है उधर से असद यही कहता कि जी अंकल
जैसे आप कहें। क्या इन लोगों को ये लगता है कि एनकाउंटर के वक्त ऐसा पारिवारिक माहौल होता है? ये एनकाउंटर बाबा सूरज बड़जात्या जी की कोई फिल्म नहीं है। इनके हिसाब से हत्यारा हत्यारा न होकर आलोकनाथ, जिसके पास जाने पर वो आपको गोली नहीं मारेगा बल्कि आपको जलाने के लिए अगरबत्ती दे देगा। हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? भाई जो लोग इतने बेखौफ हैं, इतने रसूख वाले हैं कि एक मर्डर करके 50 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आ रहे, आपको जरा भी अंदाजा है कि सामने पड़ने पर किसी के लिए भी उनसे डील करना कितना मुश्किल होता है। और मैं पूछता हूं कि ये कानून की परवाह हर वक्त अपराधियों के मरने पर ही क्यों सामने आती है? इसी असद के पिता अतीक ने सारी जिंदगी जो कानून का मजाक बनाकर रखा उसका, खुद अतीक का खौफ इतना था कि दर्जनों जजों ने डर के मारे उसके केस की सुनवाई तक नहीं, जज डर के मारे माफिया के केस की सुनवाई नहीं कर रहे, क्या ये कानून का मजाक नहीं था? और जिस आदमी ने सारी जिंदगी कानून का इस हद तक मजाक बना रखा था, क्या वो अपराध नहीं था? और आज उसी माफिया का हत्यारा बेटा एनकाउंटर में मारा गया तो पूरा कानून आपके लिए मजाक हो गया। बेशक सरकारें माफियाओं की तरह बर्ताव नहीं कर सकती, मगर यह भी सच है कि रियल वर्ल्ड में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी किताबों में लिखी होती। वहीं कई ऐसे बड़े वाले लोग हैं जो इस मामले को मजहबी रंग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक नंबर। मतलब उमेश पाल को घेर कर मारने वाले 10 लोग अगर एक तरफ से थे तो मामला मजहबी नहीं हो जाता, मगर उन लोगों में से अगर कोई एक मर जाए तो आप कहेंगे मामला मजहबी है। मतलब खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए यूपीएसटीएफ से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उमेश पाल की हत्या के इल्जाम में वो गोवा जाकर किसी क्रिस्टोफर डिकोस्टा को गोली मार देनी चाहिए थी उनको, या ये कहना चाहिए कि उमेश पाल की हत्या किम जोंग उन ने करवाई? कम ऑन भाई, पुलिस उसी को ना पकड़ेगी जिसने अपराध किया होगा। अब अपराध करने वाला कहीं एक तरफ का है तो पुलिस वाला क्या तिब्बत जाकर किसी बौद्ध भिक्षु को पकड़ लाएगा क्या? कुछ तो ऊपर वाले का खौफ खाओ, और अगर खौफ नहीं खाना है तो धक्के खाओ, मगर कुछ तो खाओ। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों कि किसी की मौत और किसी के दुख को सेलिब्रेट करना किसी भी इंसान को शोभा नहीं देता, लेकिन वही इंसान जो सैकड़ों लोगों की दुख की वजह है उसके जाने पर राहत तो महसूस की जा सकती है, और आज मैं और मेरे जैसे कितने लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उमेश पाल की हत्या पर बाबा ने बोला था कि माफिया लोग को मिट्टी में मिला देंगे, और जो कहा वो करके भी दिखाया। जैसा अंत हिंदी फिल्मों में एक माफिया का होता है, वैसा ही अंत इस असल जीवन में अतीक अहमद का हो रहा है। अब इस पर किसी को अफसोस है तो वो चाहे तो इस अफसोस की बत्ती बनाकर उसे उचित स्थान में रख ले, शायद थोड़ा आराम आ जाए। ये फलाना ठमकाना, लॉ उनके लिए अप्लाई होता है जो लॉ के हिसाब से जो है ना वो भी काम कर रहे हो, जिनका पता हो कि इनको पकड़ के लॉ के हिसाब से उनको पनिशमेंट देना चाहते हैं, पर उनकी इतनी पहुंच है या इतने वो ताकतवर लोगों के साथ मिले हुए हैं कि बीच में ही लॉ को मिसयूज करके निकल जाएंगे इतने बड़े बड़े क्राइम। हाँ, ये देख लो जज ही जो है वो डरे पड़े हैं कि वो ही नहीं केस का कर रहे। हमने तो कई वीडियोस भी देखे थे जहाँ पे एक भाई साहब गए थे उस नेबरहुड में, हाँ, बात करने के लिए। हाँ, इतना सरप्राइजिंग था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं, कि no कोई comment, ये no कि भाई अच्छा काम किया, नो कमेंट को, हमें तो पता ही नहीं, हम तो यहाँ रहते ही नहीं, अरे रहते नहीं तो यहाँ करने क्या आए हो। ऐसे ऐसे लोग थे, किसी के में इतनी हिम्मत नहीं थी बोलने की। तो ऐसे को अगर इनका अंत ऐसा नहीं करेंगे तो पब्लिक में जो है वो सेफ होने की फीलिंग कैसे आएगी? तो वहां पे लोग ये बोले थे अच्छा ये घर उनका, हमें तो पता नहीं था। हमें तो पता नहीं था किसका घर है, हमें क्या पता। तो मतलब काफी है, मगर देखिए योगी जी जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको पता है लीगल सिस्टम कैसा है, उनको पता है आगे जाके कि कितना फ्लॉ है, कितना मतलब गड़बड़ घोटाला तो अंदर जो है। इतने समय से वो उन्होंने ट्राई आउट कर लिया है कि क्लीन अप कैसे होता है गैंगस्टर्स का, ये पहली बार तो कर नहीं रहे। उन्होंने इतने टाइम पे बना लिया है कि एक ही तरीका है क्राइम खत्म करने का, वही फॉर्मूला यूज होगा जब तक क्राइम पूरा खत्म नहीं होता, और वही हो रहा है। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये सब काम ख़त्म होने वाले हैं, और उसके बाद कहा तो ये जा रहा है कि ज़बरदस्त मेजॉरिटी से योगी जी जीतेंगे, क्योंकि हर कोई बोलेगा क्राइम नहीं है। बिल्कुल, हर कोई बोलेगा अगर आपको क्राइम नहीं चाहिए तो आप यूपी ही जाइए। इतना मतलब चेंज आ जाएगा कि लोग मतलब नॉर्मल टॉक में कहेंगे देखो भैया अगर तुम जो यूपी में नहीं है बोलो तो यही कहेंगे, अगर तेरे को इतना ही है तो भाई यूपी चले जाए, वहां पर क्राइम नहीं है। क्यों आप लोग भी तब बोलने लग गए हो? सब देखो अगर कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं कि भैया बिहार में हमें योगी जी चाहिए, हमें राजस्थान में योगी जी चाहिए, हमें पंजाब में योगी जी चाहिए, तो वो देख लो वो सबको पता है। इतना अच्छा हो जाएगा, लोग पर्स लेंगे वहां फेंक के जाएंगे रोड पे, तो कहता अगले दिन आएंगे वही पर्स पड़ा होगा उतने पैसे।
मैंने एक स्टेप और ज्यादा बोला था तो आप कह रहे थे मैम ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। बेटा जी ऐसा डर होगा कि लॉ के हिसाब से वो कहेंगे यार अच्छे बन जाओ, पर्स उठा के वापस दे आओ जिसका रहे है। ऐसा होगा, देखिए ये मजाक नहीं है, इतना हो जाएगा कि लोग बोलेंगे हमें क्राइम करना नहीं है भैया। बिल्कुल, नो क्राइम इज नीडेड। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।